DRMK, bro, science MKS, subscribe now. Welcome student, my YouTube channel Science MKS. Today discuss about BS Nursing Entrance Exam. तो स्टूडेंट इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन से राज्य में आ चुका है बीएससी नर्सिंग का फॉर्म, चाहे वो पोस्ट बीएससी हो, चाहे एमएससी नर्सिंग हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग ही क्यों ना हो, वो कौन कौन से राज्य में आ चुका है ये इसलिए डिस्कस करने वाला हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके राज्य में आ चुका है फिर भी वो कमेंट कर रहे हैं कि कब आएगा। तो आपको मालूम हो जाए कि कौन कौन से राज्य में आ चुका है, इसी को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और कौन कौन से राज्य में आने वाला है इसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो ये सब जानने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और वीडियो को स्किप ना करें क्योंकि मैं इसमें पूरे राज्य जो इंडिया के हैं जिन्होंने मेरे कमेंट किया था उन सभी का मैं वर्णन इस वीडियो में करने वाला हूँ। स्टूडेंट जिनके राज्य में आए हुए नर्सिंग के फॉर्म को 3 से 4 महीने हो गए वो फिर भी कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारे स्टेट में कब आएगा बीएससी नर्सिंग का फॉर्म, पोस्ट बीएससी नर्सिंग का फॉर्म, एमएससी नर्सिंग का फॉर्म। तो ऐसी सिचुएशन को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाना पड़ा स्टूडेंट क्योंकि आ चुके नर्सिंग फॉर्म आके एग्ज़ाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया फिर भी उनको मालूम नहीं है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला लिया और इसमें है जो मैंने सभी स्टेटों के बारे में पूरी डिटेल से बताया है कि किन किन स्टेट में आ चुका है और आपको ये वीडियो स्किप ना करें, पूरा देख के ताकि आपको मालूम हो सके कि कहीं हमारे स्टेट में तो नहीं आ गया। तो स्टूडेंट इस वीडियो में पहले उन स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं जहाँ पर नर्सिंग के फॉर्म आ चुके हैं, जहाँ पर नोटिफिकेशन आ चुका है उनके बात कर लेते हैं। उनके बाद हम बात करेंगे किन किन राज्यों में आने वाला है ताकि वो स्टूडेंट वेट करे और ना करे। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पंजाब स्टेट। इस प्रकार आपको पहले स्टेट शो होगा उसी के बाद जो है व्हाइट स्क्रीन पे आपको इसका नोटिफिकेशन दिखाई देगा, पहले स्टेट फिर उसका नोटिफिकेशन, यही क्रम आगे चलता रहेगा स्टूडेंट। जैसा कि अब वो पंजाब था वो इसका नोटिफिकेशन है, इसी प्रकार अगला स्टेट शो होगा फिर उसके बाद नोटिफिकेशन शो होगा। तो देखते रहिए ये वीडियो। Just walk right out the door. Don't wanna do this anymore. Now I'm lost without you. You drive me crazy out my mind. How'd you do this every time? Now I'm lost without you. Used to be the one I talk to when I'm sad. Can't you see now tainted love is all we have? Our issues run so deep now when I try.
try to sleep, I feel so bad. I should leave, and by the time it's done, I'll be जैसा कि यहाँ पर शो हो रहा है, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का है। यहाँ पर स्मॉल लेटर में दिखाया गया है, बहुत से स्टूडेंट के यहाँ पर साफ नहीं दिखा रहा होगा, तो जूम करके आप देख सकते हो, ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का है। तो स्टूडेंट, ये स्टेट की बात हो गई जहाँ पर बीएससी नर्सिंग के फॉर्म, पोस्ट बीएससी नर्सिंग के फॉर्म, एमएससी नर्सिंग के फॉर्म आ चुके हैं, जहाँ पर बहुत सी जगह तो एग्ज़ाम भी हो चुका है। उन स्टेट की बात हम कर चुके हैं, बट अब आप जो है कि हमारे स्टेट में कब आएगा, जिनके यहाँ पर नहीं आया है यानी कि आने वाले महीने में आने वाला है, उनको बेसब्री से इंतज़ार है। तो उनमें से एक है इंडिया का बड़ा राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस, यहाँ पर बीएस नर्सिंग का, पोस्ट बीएस नर्सिंग का, एमएस नर्सिंग का, यहाँ तक कि एमबीबीएस का भी एग्ज़ाम करवाती है, बहुत सारा एग्ज़ाम करवाती है। इसी वजह से ये यूनिवर्सिटी लेट हो गई है, जबकि यहाँ पर हमेशा जून जुलाई में आ जाते थे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस बार भी अगस्त में इन्होंने बीपीटी का टाइम टेबल जारी किया है, शायद इसी वजह से इन्होंने बीएस नर्सिंग का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया, क्योंकि यूनिवर्सिटी के ऊपर लोड बहुत है। अभी जो इस वेबसाइट पर उपलब्ध नोटिफिकेशन है वो केवल 2018 का अवेलेबल है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, ये 2018 का अभी अवेलेबल है, इस पर अभी 19 का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। ठीक है स्टूडेंट, हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट, यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंटों ने कमेंट किया है कि हमारे यहाँ पर कब आएगा। तो हिमाचल प्रदेश में लास्ट डेट है 16 अगस्त को, जैसे कि आप इसको पहुँच करके आराम से पढ़ सकते हो, और इसकी अधिक डिटेल आप जानना चाहते हो तो उसकी अधिक डिटेल भी यहाँ पर स्क्रीन पे शो हो रही है, या आप इन सभी नोटिफिकेशन को आप पहुँच करके आराम से वन बाय वन रीड कर सकते हैं, ताकि आपको मालूम हो सके अधिक जानकारी। ये है आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश से भी बहुत सारे कमेंट आए, तो इसी लिए मैंने सोचा कि उनके लिए भी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड। तो ये है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, भी अवेलेबल है रजिस्ट्रेशन आंध्र प्रदेश में, इसकी वेबसाइट यही है जिसके ऊपर देवा इसी नाम से आपको मिल जाएगा। तो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने उन सभी स्टेट के बारे में बताया है जिन्होंने मेरे कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछा था। तो इंडिया का कोई सा भी स्टेट अगर आप वहाँ से बिलोंग कर रहे हो और यहाँ पर मैंने आपको नहीं बताया है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके अपना स्टेट बताइए कि सर इनके बारे में भी हमको जानकारी चाहिए, वो इंडिया का कोई सा भी कोना हो उसके बारे में मैं आपको जानकारी उपलब्ध करा दूंगा। स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने उन सभी स्टेट के बारे में बताया जहाँ पर नर्सिंग फॉर्म आ चुके हैं, और उनका भी वर्णन किया है जहाँ पर अब आने वाले हैं। ये इसलिए वीडियो बनाना पड़ा ताकि जहाँ पर निकल चुका है वो वेट ना करे, और जहाँ पर आने वाले हैं केवल वो स्टूडेंट वेट करे। तो जहाँ पर बीएससी नर्सिंग के फॉर्म, पोस्ट बीएससी नर्सिंग के फॉर्म और एमएससी नर्सिंग के फॉर्म अभी तक नहीं आए, उन स्टूडेंट के माइंड में ये चल रहा है कि हमारा साल बर्बाद ना हो जाए, कि फॉर्म ही नहीं आए इस साल, क्या पता। स्टूडेंट, अगर फॉर्म भी नहीं आएंगे तो एडमिशन होते हैं जो नवंबर दिसंबर, यानी कि आपका स्टार्टिंग होगा आपकी एजुकेशन वो जनवरी से स्टार्ट होती है, तो आप निश्चिंत रहिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मेरे से कमेंट।
तो स्टूडेंट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप बेफिक्र होकर अपनी तैयारी को जारी रखिए, आप अपना टाइम वेस्ट की कब आएगा कब नहीं आएगा इन पर ध्यान ना दीजिए, फॉर्म आएंगे अवश्य, आप अपनी तैयारी को बनाए रखिए स्टूडेंट।